चलो गुड नाइट गाइस, आज बीमार हो गया मैं। मिला इतना गोली खाने का मेरे को, फिलहाल ये आज का गोली इतना है। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये एरिया। बीमार हो गया और मेरा तबीयत ना बहुत ख़राब हो गया, और क्या बोलूँ, ऐसे से मुझे सर्दी बिर्दी हो गया। सर्दी बिर्दी के कारण ना मेरा मतलब गला जाम हो गया। सुबह में जल्दी बंद कर दिया, कल सोचा कल मॉर्निंग जाओ हॉस्पिटल। बहुत मतलब मेरा ये बॉडी इतना पेन हो रहा ना, ये जो घुटना उतना दर्द दे रहा ना, और मैं खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा। थोड़ा खाना खा के दवा भी खा लेता हूँ और जल्दी सो जाऊँगा। बहुत मतलब ये सर्दी विर्दी हो गया अचानक में, क्या मतलब बीमार पड़ गया। मैं यार तकलीफ में हूँ बहुत, और ठंडी ऐसा लग रहा बहुत अचानक में। कल अच्छा था, आज अचानक बीमार हो गया। तो गणपति अप्पा मोरे जल्दी ठीक कर दो यार, बहुत खा दो यार। सर्दी आप बहुत जान लेता नाक ऐसे, नाक को कुछ होना नहीं। और मेरा एक घुटना उठना नहीं कर रहा, ये घुटना उठना बहुत दर्द दे रहा गाड़ी सच्ची, बहुत यार बहुत तकलीफ हो रहा। अभी जाता हूँ खाना खाता हूँ, खाना भी अच्छा नहीं बनाया सीखा तो मेरे को, ऐसे मुझे पसंद नहीं है। अरे वो किधर खाना खा रही है, और फिलहाल मेरे इधर सब लोग सोए हैं, ये सब सोए हैं। मेरी मम्मी बीमार है इधर, ये भी बीमार थी, अभी ठीक हो। कितने दिन से बीमार थी तू? पाँच दिन से बीमार थी, ये भी बीमार थी, ये चेहरा दिखा रही नहीं। तो फिलहाल अभी ये खाना खा लिया। भाई तू खाना खाया? हाँ अभी मैं भी थोड़ा खाना दे, थोड़ा खाना दे भी खाता हूँ फटाफट। और मेरा चेहरा देखो, ये देखो दर्दी मेरे को। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, देखो ये ज़बरदस्ती खाना खाना, क्योंकि दवा खाने का इसके कारण सर्दी बहुत तकलीफ देता है। सर्दी भी देखो मेरा बाल बिल कितना मिस हो गया। ज़बरदस्ती खाना खा रहा हूँ, ज़बरदस्ती बीमार है तो इसे खाने पड़ा, जबरदस्ती खाने। ठीक होना दुकान क्यों खोलेगा, कल दुकान थोड़ा लेट जाऊंगा। दवा बहुत कड़वा लगता है गाइस सच्ची। हाँ इतना दवा खाने पड़ा, कल वापस हॉस्पिटल जाऊंगा मैं, तभी विस्तार ला दो सीधा सोता हूँ। चलो गुड नाइट गाइस, आज बीमार हो गया मैं। बाय। तो फिलहाल जाके दवा भी लेता हूँ, बहुत बीमार हो गया इसके कारण। सुबह भी नहीं गया, अभी तक पहुंचा भी नहीं, बच चुके 11। बहुत तकलीफ हो रहा मेरे को, अच्छी खासी सर्दी बुखार जैसे 30 लग रहा है। अभी तक नहाया भी जाता, फटाफट जाता हूँ अपना हॉस्पिटल से दवा लेता हूँ। रावली कैंप में जो BMC का दवा एकदम फेमस रहता है, घर का मुझे ठीक हो जाऊँगा जल्दी, पिया चाहते हैं फटाफट। रावली कैंप हॉस्पिटल छोटा सा हमारे इधर का फेमस। दर्दी तो बहुत रहेगा, 26-25 रहेगा। गणेश गुप्ता 25-26 रहेगा। बुखार लग रहा, ठंडी लग रहा है, और सर्दी ऐसा रहेगा। तो फिलहाल पावती ले रहे जाओ, ये पावती निकाला मैंने अभी, डॉक्टर को दिखाऊंगा गणेश गुप्ता। तो इससे पावती से मतलब खाली ओनली 10 रुपये में मतलब ठीक कर देंगे मेरे को ये। अरे भैया बहुत अच्छा डॉक्टर है इधर के, बहुत अच्छा मतलब इतना सरकारी डॉक्टर इतना अच्छा सपोर्ट करते ना, अच्छी बात है। मिला इतना गोली खाने का मेरे को, फिलहाल ये आज का गोली इतना है। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। एक दवा ले लिया, इतना अच्छा डॉक्टर है, मतलब मेरे घर के बाजू में 2 मिनट का हॉस्पिटल रावली के हॉस्पिटल फेमस इधर का। मैं 10 रुपये का पावती निकाला, आधे घंटे मेरा पूरा नंबर इमर आ गया। मैं दवा भी ले लिया, अभी मैं 1-2 गोली खाऊंगा ना जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अभी मेरे को अभी कॉल पे कॉल आ रहा है क्लाइंट का, एक गुजरात से क्लाइंट आया दुकान के बाहर खड़ा है। तो अभी जाके अभी क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, ये भी करूँ, मैं तकलीफ तो उठानी पड़ेगा। मेरा क्लाइंट लोग भी मेरे भगवान है, अभी मेरे को अकेले पर संभालना पड़ता, पूरा जिम्मेदारी शॉप का। अरे बीमार तो पड़ेगा, अभी क्या करूँ, अभी सबको टैटू मेरे से करना रहता है। तो गाइस क्या करूँ बताओ, तुम भी समझ रहे हो, थोड़ा बीमार के कारण कुछ नहीं, फटाफट काम करता हूँ, नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कुछ खाता हूँ, दवा के निकल जाता हूँ हिम्मत करके, और देखते हो टैटू करता हूँ, कंटिन्यू काम करता हूँ। बस आप लोग का जल्दी ठीक कर दो गणपति अप्पा मोरे, ठीक जल्दी दुआ करो। और दवा खाने इतना बोर लगता है ना गाइस सच्ची, इतना कंटाला था, लेकिन क्या करें, जब तक दवा नहीं खाता तो ठीक कैसे होएगा। और
जाते हैं सच्ची, क्या बोल, बहुत तकलीफ होता सर्दी है सच्ची। डॉक्टर ने बोले गर्म पानी और नमक से ना गुलगुला करने के लिए, ये तुम्हारा नाक है नाक जाम हो गया। मेरा गाइस क्या सीन हो गया, मेरा कमर दर्द दे रहा है, कमर हाथ पैर पूरा दर्द दे रहा है, ऐसा सुस्ती हो रहा है, ठंडी जैसा लग रहा है, थोड़ा हल्का हल्का खांसी लग रहा है, इसके कारण थोड़ा अच्छा नहीं। मैं कल ही बीमार पड़ गया, क्या पता मैं बीमार हो गया, मैंने कहीं बीमार होता नहीं, तो मैं सोचा जाके दवा मतलब जाके दवा ले लूँ, नहीं तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आगे ना पड़े, इससे फटाफट निकलते घर पे। फिलहाल फाइनली जैसे निकल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ सुबह पे, अभी मैं दवा भी लेके आए, सवेरे मॉर्निंग में सोया था, फटाफट में खाना भी ना खाया जाता पड़ा सुबह पे, वेट क्लाइंट वेट कर रहा जो गुजरात से आया, फटाफट में बता इतना बीमार होने के बाद भी सुबह पे जा रहा हूँ, तो डैड मेरा चेहरा देखो कैसा हो गया इसके कारण। ये देखो हमारी मालकिन, तो यार समझ जाओ, निकलते फटाफट मिलते, मैं फटाफट जा रहा हूँ, मैं ब्रिज में से भागा ना, मेरा पूरा बॉडी ना कांप रहा क्योंकि बिरयानी के वर्णन करके उस स्टूडियो पे क्लाइंट बाहर खड़ा वेट कर रहा, कब से अच्छा लग रहा नहीं, और अपना दोस्त कर्नाटक से आया टैटू सीखने गया मेरे पास, तो भाई हैप्पी खुश है कि नहीं मुंबई में, बहुत अच्छा लग रहा है, कह रहा भाई बीमार है यार, तेको पता नहीं बीमार है, अरे सॉरी सॉरी तो जाते यार अच्छा लगता नहीं, क्लाइंट लोग कब से मॉर्निंग से वेट कर रहे पूछते भाई को, ए गणपति अप्पा ठीक कर दो, वेट कर रहे। अरे तुम लोग कहाँ से आप लोग, जो गाइस लोग गुजरात से वेट कर रहे हैं, सॉरी आपको कितना बजे आए, कितना बजे आए, 6:30 बजे फिर कॉल करने का ना, 6-7 बजे यार, थोड़ा बीमार था मैं तो कोई बात नहीं, कितना तुम लोग कितना घूमे कि नहीं, चलो आ जाओ भाई का टैटू वीटू करने का तुम लोग का फटाफट लोग का, और फिलहाल ये मेरा शॉप, ये मेरा शॉप है, ये बंदे इधर तो अभी जस्ट दुकान खोल रही है, ये देखो बहुत लेट हो, सॉरी गाइस सॉरी सॉरी सॉरी। कुछ खाएगी, खाना पीना खाएगी नहीं, मुंबई में किधर घूमे कि नहीं, नहीं घूमा अभी तक, मेरा ब्लॉग देखते कि नहीं, देखते, ओहो चल फटाफट शॉप ओपन करते, खोल दे आराम से खोला, तो फिलहाल सुबह खुल गया अभी मेरा जस, अभी फटाफट पूजा वीजा करूँगा फटाफट, 5 मिनट वेट कर, मैं थोड़ा साफ सफाई करता हूँ, फिर फटाफट का टैटू करते ठीक है, लिखने और अपनी गर्लफ्रेंड का टैटू करने वाला, गर्लफ्रेंड का नाम, तो गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, देखो भूत नहीं है बुबू है बुबू। तो फिलहाल कितने साल से प्यार करता तू, 4 साल जो गाइस 4 साल से प्यार करता, समझ जाओ यार, तो सच्चा प्यार है, नकली प्यार है तेरा, सच्ची होता सच्चा सच्चा प्यार है। शादी कब कर रहा है, अभी देर है, अभी थोड़ा देर है, शादी का तुम लोग किधर हनीमून के लिए, गोवा जाएंगे या गुजरात में करेंगे, गुजरात में करेंगे, गुजरात में किए थे और ये होटल में किए थे, तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल भाई बहुत प्यार करता अपनी गर्लफ्रेंड से, ऐसी प्यार करते हो, ऐसी सपोर्ट करते हो, भाई को थोड़ा सपोर्ट करते रहो, तो फिलहाल कंटिन्यू हार्ड वर्क चालू, सब लोग वेट कर रहे हैं और मिलते हैं, और सेकंड टैटू अपने भाई का भी है जो गोवा खा रहा है, मावा खा रहा है, ये एमसी सीजन की अपने क्या बोलते तकलीफ, तो अभी टैटू करने जा रहा हूँ, बेबो बोबो बेबो बोबो बेबो बोबो, और कश्मीर सूटो कैसे लगा, देखो छोटा है ना बोल, एक दिन बड़ा भी होगा, तो फिलहाल अभी मिलते हैं फटाफट, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हैं, और तो क्या बनेगा, डाक करने मतलब बोलते हैं गले का जो है ना उसका बचपन का निशान, इसको आग लगाने गए, आग लगाओ फायर करो फटाफट, अरे वाह गर्लफ्रेंड रे, हंस रहे कितना खुश है रे, ये क्या है, ये क्या हो गया तेरे को, इधर छाते पे क्या हो गया, इधर क्या हो गया, ये क्या है, काला निशान क्या है, काला है सर। भाई का टैटू हो चुका है बैबो, और भाई को पूछे भाई टैटू कैसा लगा, खुश है कि नहीं, हैप्पी है कि नहीं, आज गर्लफ्रेंड बहुत खुश ना थे, हाँ भाई कितना खुश है, टैटू कैसे दिखाएगा इसको तू, होटल से दिखाएगा, मेहनत 20-20 रुपए का नोट कितना मेहनत करके किया, सेविंग किया, और ये मेहनत का फल टैटू होता है, तो फिलहाल मैंने ये टैटू बनाया, देखो एक टैटू ये बनाया, और सेकंड टैटू देखो ना आपका, सेकंड टैटू को ये बनाया मैं अंदर जो नेम इतना बड़ा, तो फिलहाल ये कितना महीने का सेविंग है भाई, ये 4 महीने का सेविंग 20-20 रुपया, ये बाप रे इतना टैटू के लिए, मतलब सेविंग से टैटू बना 20-20 रुपये जमा करे, तो भाई का टैटू फाइनली बन चुका है, तो ऐसे ही प्यार करते रहो, भाई को सपोर्ट करते रहो, कितना देखो ना 20-20 रुपये का रसल शादी में उड़ाऊंगा। फिलहाल ये मम्मी ने खाना बना के दिए और ये टिफिन दिए, और भी खाना भी ना खाएंगे, इसका मैं दवा हो चुका है, मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, और इतना प्यारा सा टैटू बना है, कुछ अलग कस्टमाइज करो, कुछ कलर विलर किया त्रिशूल को, भाई टैटू अच्छा लगा देखो, एक नंबर भाई, तो फिलहाल आपको टैटू दिखाता हूँ, और तो दर्द दे रहा था कि नहीं दर्द था, कितना तो दर्द था, दर्द तो मजबूत था, हाँ तू भी तू केदारनाथ का ड्रीम देखा कि केदारनाथ कभी जा रहा है, जाऊंगा एक तो
गाइस आज सीन ऐसा भी एक दो महीने में जाने वाला आज की आज सीन ऐसा भी आज मंडे है तो आज शंकर का भोलेनाथ का वो मतलब वक्त वो दिन है आज अच्छे दिन पे लगा मतलब यादगिरी लगा बराबर की नहीं तो डेली सब पूजा करने पड़ेगा देखो तो फाइनली अब टैटू जी करता हूँ और टैटू जी को खत्म हो गया आ रहा मैं घर पे और थक गया हाँ थोड़ा भी आ रहा मैं घर पे भी आके दवा भी खा के सो जाऊंगा तो वीडियो इधर एंड करते हैं तो गाइस यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फटाफट जाके लिंक को क्लिक करो और मिलते हैं।